गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर जैसे आपको पता है हमने हमारा जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन वो स्टार्ट कर रखा है। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा आवास स्थल है, जो हमारा हैबिटेट है, उसके नेचर के आधार पर अनुक्रमण जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट दैट इज नोन एज हाइड्रोसिरे, सेकेंड जीरोसिरे एंड थर्ड इज मीजोसिरे। सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं हाइड्रोसिरे की, ठीक है। हाइड्रोसिरे को हम बच्चों क्या और क्या नाम से जानते हैं, दैट इज हाइड्रॉक्स सक्सेशन, जो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। क्या है ये हाइड्रॉक्स सक्सेशन? इट इज ए टाइप ऑफ सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एन एक्वेटिक एनवायरमेंट। ओके, जब जलीय एनवायरमेंट के अंदर, जलीय परिस्थितियों के अंदर अनुक्रमण स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रोसिरे कहलाता है। देखिए, बेसिकली एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स जो है, लाइक पॉन्ड्स, लेक, इनके अंदर होने वाला अनुक्रमण या सक्सेशन कहलाता है हाइड्रोसिरे। और जो मराइन वाटर हैबिटेट्स है, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स, ईस्टुराइन जो हमारे इकोसिस्टम है, वहां ऐसे जो एरियाज है वहां पे होने वाला सक्सेशन हाइड्रोसिरे कहलाता है। तो आज हम हाइड्रोसिरे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोसिरे, फॉर एग्जाम्पल हमने यह पॉन्ड का अनुक्रमण लिया है, एक न्यूली फॉर्म पॉन्ड में किस प्रकार से सक्सेशन होता है। देखिए, जो न्यूली फॉर्म जो पॉन्ड है उसके अंदर हाइड्रोसिरे स्टार्ट्स विद ए कॉलोनाइजेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ऐसे जगहों पर बिल्कुल जहां पे अभी तक किसी प्रकार के पोषक पदार्थ या एक हम कहें कि लाइफ की शुरुआत नहीं हुई है, तो ऐसे जगह पर सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स की कॉलोनाइजेशन से अनुक्रमण स्टार्ट होता है एंड फाइनली रिचेस ए क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, जो कहां सब हमारा कंप्लीट होता है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज पर जाके हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। ओके, अब ये हाइड्रॉक्स सक्सेशन जो है वो कितने स्टेप्स के अंदर जाके कंप्लीट होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन आर गिवन बिलो। कौन कौन सी है बच्चों? द फर्स्ट स्टेज दैट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, रूटेड सबमर्ज स्टेज सेकेंड, थर्ड दैट इज फ्लोटिंग स्टेज, फोर्थ रीड स्वैम्प स्टेज, फिफ्थ सेज मार्श और मैडो स्टेज, सिक्स दैट इज वुडलैंड स्टेज एंड सेवंथ दैट इज फॉरेस्ट स्टेज, जो हमारा क्लाइमेक्स स्टेज होता है दैट इज फॉरेस्ट स्टेज। ओके, तो हम एक एक करके इनका डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा अनुक्रमण का जो फर्स्ट स्टेप है इन हाइड्रोसिरे दैट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, हम इसको बच्चों प्लैंक्टन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है? दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सक्सेशन, शुरुआत जो है सक्सेशन की, इसकी इनिशियल स्टेज फाइटोप्लैंक्टन के कॉलोनाइजेशन से होती है। देखिए, एक बिल्कुल न्यूली फॉर्म जो पॉन्ड है वहां पे जो पोषक पदार्थ है वो बिल्कुल नहीं होते, जीवन की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है बच्चों? वहां पर जो हमारा इन्वेशन जो सेकेंड स्टेप था वो शुरू होता है, जहां पे हमारे जो एल्गीज हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके स्पोर्स या सीड्स जो है वो विंड के थ्रू वहां पे आके निक्षेपित होते हैं या डिपॉजिट होते हैं। ओके, फिर जब फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती है तो उनमें क्या शुरू हो जाता है बच्चों? उनमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और जंतु विकसित होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अधिक फेवरेबल कंडीशन मिलने पर इनके अंदर तीव्र गति से वृद्धि होती है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या के अंदर तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक है। इन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एल्गीज के डेवलपमेंट के बाद इसी एरियाज के अंदर कुछ फिलामेंटस जो एल्गीज होती है, लाइक स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, वो यहाँ पे जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देती हैं। ओके, द सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड मैनी अदर एक्वेटिक प्लांट्स विच इज नॉन एज द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एनिमल्स विच इज जू प्लैंक्टन्स फ्लोटिंग इन वाटर आर द पायोनियर कॉलोनाइजर। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स फॉर एग्जाम्पल हमने के दैट इज अमीबा, ओके, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये इस जगह पर
काफी विकसित होना शुरू करते हैं। ओके, इनके जो स्पोर्ट्स हैं या इनके जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं वो यहाँ पे आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर जो है ये विकसित होती है, रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करती हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की स्पीशीज होती है वो इस प्रकार के सक्सेशन की पायोनियर स्पीशीज होती है, पायोनियर कॉलोनाइजर्स होती है। ओके, All these organisms add large amount of organic matter and nutrients due to of their various life activities and after their death they settle at the bottom of pond to form a layer of muck। देखिए ये जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जो है वो संख्या के अंदर तेजी से जो है वो विकसित होते जाते हैं और इनकी संख्या के में तेजी से वृद्धि के साथ साथ इन पे भक्षण करने वाली जो अन्य हमारे एनिमल्स की स्पीशीज है लाइक ब्लू गिल फिश, यहाँ पे सनफिश, ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भक्षण करने वाली कैडीज फ्लाई, इन जगहों पर आके जो है वो सरवाइव करना या रहना शुरू करती है। जब इन जीव जंतुओं की मृत्यु के पश्चात जो या पादपों के जो है वो सड़ने गलने के पश्चात जो इनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बच्चों वो क्या होता है, आफ्टर दैट जो हमारा पॉन्ड है उसके तल के अंदर निक्षेपित होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। ओके, इन डेड ऑर्गेनिक मैटर और इसके साथ साथ क्या होता है, इसी टाइम पे मिट्टी जो है विंड के थ्रू और पानी के थ्रू जो है मिट्टी गाद के रूप में जो पॉन्ड है उसके तल के अंदर जमा होती जाती है। तो एक प्रकार से जो हमारा पॉन्ड का जो नीचे का जो बॉटम है वहां पे एक प्रकार से कीचड़ की एक लेयर बन जाती है, लेयर ऑफ मक का निर्माण हो जाता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर बच्चों अब क्या होता है, ये जो कीचड़ की लेयर है वो अन्य जो जातियों के जो जीव जंतु या प्लांट्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे अन्य जातियां आकर जो है वो अपना डेवलपमेंट करती है। ओके, सेकेंड जो स्टेज है दैट इज रूटेड सबमर्ज स्टेज। ओके, देखिए द फाइटोप्लैंक्टन स्टेज इज फॉलोड बाय सबमर्ज प्लांट स्टेज। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा लेयर ऑफ मक बन गया है ये अब हमारा जो जड़ीय पादप होते हैं जो जलीय निमग्न पादप होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए उपयुक्त कंडीशंस उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इस कंडीशंस के अंदर जो है फाइटोप्लैंक्टन की डेथ और इनके जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के द्वारा एक मड डेवलप हो गया और यहाँ पे अब जो है वो रूटेड हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पे आके सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम जलीय निमग्न पादप कहते हैं वो यहाँ पे आके सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से, मेलियोफाइलम, एलोडिया, हाइड्रिला, पोटेगोजिकॉन, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, रेनकुलस, सेरेटोफिलम, कारा, ये कुछ प्रजातियां हैं प्लांट्स की जो यहाँ पे आके तीव्र गति से एस्टेब्लिश होती हैं और फिर तीव्र गति से इनके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, इसी टाइम के अंदर जो हमारा सबमर्ज स्टेज होता है इसी स्टेज के अंदर यहाँ पे वेरियस जो है वो हमें एनिमल्स की प्रजातियां भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ड्रैगन फ्लाई, ओके, मेड फ्लाई यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलता है, इसके अलावा डेफनिया, साइक्लोप्स, ओके, साइप्रिस, ये कुछ जीव जंतु की प्रजातियां भी हमें इस स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं। ओके, एंड दीज प्लांट्स फॉर्म टेंगल मास एंड हैव मार्क इफेक्ट्स अपॉन द हैबिटेट, उस हैबिटेट को ये बहुत जो है वो प्रभावित करती हैं ये प्रजातियां। अब वही सिचुएशन होती है बच्चों, व्हेन दीज प्लांट्स डाई देयर रिमेन्स आर डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड्स और लेक्स एंड द इरोडेड सॉइल पार्टिकल्स एंड अदर ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आर ऑल्सो डिपॉजिटेड एट द बॉटम। फिर इन्हीं जीव जंतुओं इन्हीं प्लांट्स की डेथ के बाद में जो इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो वापस जो पॉन्ड का जो पैंदा है जो बॉटम है वहां पर जो है वो अवसाद के रूप में इकट्ठा
होता रहता है ओके, जिसकी वजह से क्या होता है पॉन्ड का जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होती रहती है ओके, और उसकी जो जल भराव की क्षमता है पॉन्ड की वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है बताओ बच्चों, एज दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन प्रोग्रेसेस द बॉडी ऑफ द वाटर बिकम्स मोर एंड मोर शैलो, वाटर बहुत उथला हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली द हैबिटेट बिकम्स लेस सिचुएटेड सुटेड फॉर द सबमर्ज वेजिटेशन। ये अवस्था अब इस प्रकार की अवस्था तालाब के अंदर हो जाती है जहां पे जो हमारी सबमर्ज वेजिटेशन है वो वहां पे सर्वाइव करने के लिए अब वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है, बल्कि अन्य प्रजातियां जो है उस जगह पर आके जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देती है और वो सबमर्ज स्टेज को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर देती है। तो हमारे जो नेक्स्ट जो इसके अंदर स्टेज है उसके प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे आके रहना शुरू करते हैं या सर्वाइव करना शुरू करते हैं, वो कौन सी स्टेज है द थर्ड स्टेज दैट इज फ्लोटिंग स्टेज ओके। व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर रीचेस अबाउट 4 to 8 feet, देखिए जो हमारा सबमर्ज स्टेज था, सबमर्ज जो हमारी अवस्था थी वहां पे जो जल की गहराई है वो अप्रोक्सीमेटली 10 feet तक रहती है। अब धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के थ्रू डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन के थ्रू क्या होता है अब हमारी जो वाटर की डेप्थ है वो लगभग कितनी रह जाती है बच्चों, ये लगभग जो है 4 to 8 feet जो है वो रह जाती है ओके। जिससे क्या होता है सबमर्ज वेजिटेशन स्टार्ट डिसअपीयरिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड देन द फ्लोटिंग प्लांट्स मेक देयर अपीयरेंस ग्रेजुअली इन दैट एरिया। अब यहाँ पे जो हमारे जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ओके, फ्लोटिंग प्लांट्स उस प्रकार के प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनके अंदर जो उनका रूट है या वो जड़ी तंत्र के द्वारा तो जो हमारा पॉन्ड है उसके पैदे से जो है वो संलग्न रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और इनकी जो पत्तियां हैं वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं ओके। इन द बिगनिंग द समर्स एंड फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो इंटरमीगर बट वेरी सून द समर्स प्लांट्स आर रिप्लेस्ड कम्प्लीटली। शुरुआत के अंदर तो क्या होता है समर्स और फ्लोटिंग प्लांट्स जो है वो एक तरह से दोनों वहां सर्वाइव करते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैंने बताया फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों, इनकी ब्रॉड लीव्स होती है जो कि वाटर सरफेस में फ्लोट करती रहती है। कुछ स्पीशीज इनकी ऐसी भी होती है जो कि स्वतंत्र रूप से फ्लोट करते हैं, लाइक हम बात करें इसके अंदर लैमिया की बात करें हम, इसके अंदर एजोला की बात करें बच्चों, वुल्फिया की बात करें ओके। ये कुछ स्पीशीज जो है वो किस प्रकार की होती है बच्चों, पिस्टिया की यदि हम बात करें तो ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ओके, जल सतह पर जो है वो फ्रीली फ्लोट करते हैं। अब जब ये वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है जो हमारा जो लाइट पेनिट्रेशन पावर है सन के थ्रू जो लाइट आ रही है पॉन्ड पे उसकी भेदन क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है डेप्थ के अंदर लाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अब क्या होता है समर्स प्लांट्स जो होते हैं वहां पे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं इसके द्वारा, हमारा फ्लोटिंग जो प्लांट्स स्पीशीज है उनके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं ओके। अब हम बात करें ड्यू टू कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट कम्युनिटीज एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट द हैबिटेट बिकम चेंज केमिकली एज वेल एज फिजिकली ओके। फ्लोटिंग जो हमारे प्लांट्स थे फ्लोटिंग प्लांट्स के साथ साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो एनवायरमेंटल परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसमें कई जीव जंतु भी यहाँ पे निवास करते हैं, उनके अंदर मोस्टली कौन कौन से होते हैं जो कि फ्लोटिंग स्टेज के अंदर सर्वाइव करते हैं दैट इज हाइड्रा ओके, स्नेल, सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग यहाँ सर्वाइव करती हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो है मॉस्किटोज मिलते हैं बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके लार्वा जो है कई स्पीशीज के लार्वा यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमें फिशर्स ओके, जल में रहने वाले स्नेक्स और टर्टल्स की कुछ स्पीशीज जीव जंतु जो है वो हमें फ्लोटिंग स्टेज के दौरान मिल जाते हैं ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ
द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम में ये परिवर्तन जो होते हैं वो हैबिटेट में कुछ केमिकल एंड फिजिकली चेंजेस उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर वाटर एंड एयर बॉर्न सॉइल एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स आर डिपॉजिटेड एट द बॉटम। इसमें फिर वही कंडीशंस आती है, एक तो इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक फैक्टर, परिस्थितियां जो है वो चेंज होती है, साथ के साथ साथ यहाँ पे भी जो है वो वाटर और विंड के साथ में जो सॉइल डिपोजिशन होती रहती है पॉन्ड के पैंदे के अंदर, और जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो कि फ्लोटिंग स्टेज के प्लांट्स और जीव जंतुओं के मरने के बाद में वो इस जो हमारा जो सरफेस है, हमारा जो बॉटम है पॉन्ड का, वहां पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सबस्ट्रेट एंड बेसिस अप इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो सबस्ट्रेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर बढ़ता रहता है, मतलब जो हमारा पॉन्ड जो बहुत चौड़ा और बहुत गहरा था, अब वो बहुत कम चौड़ा और बहुत कम गहराई का इस कंडीशन के अंदर रह जाता है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट फ्लोटिंग प्लांट्स दैट रिप्लेस द समर्ड वेजिटेशन आर कौन कौन से हैं? देखिए, इम्पोर्टेंट फ्लोटिंग प्लांट्स अभी मैंने बताया था, कुछ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, और अदर जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों, दैट इज लिलमन, ट्रेपा, पिस्टिया, निम्फिया, ओके, एंड लिमेंथियम, ये कुछ स्पीशीज जो है वो फ्लोटिंग प्लांट्स के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है, ट्रापा, मार्सीलिया, इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इनके डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिपोजिशन और सॉइल इरोडेड जो सॉइल है उनकी डिपोजिशन के कारण क्या होता है, तालाब और ज्यादा जो है वो उछला हो जाता है या शैल हो जाता है, उसकी गहराई और ज्यादा कम हो जाती है। ऐसी कंडीशंस के अंदर अब फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए ये जगह या ये स्टेज जो है वो अनुकूल नहीं रहती है, बल्कि अब ये नई जातियों के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तो अब हमारा जो अगला स्टेज है दैट इज नोन एज रीड स्वैम्प स्टेज। ओके, व्हेन द पॉन्ड एंड लेक बिकम्स टू शैलो, बहुत ज्यादा शैलो, यहाँ पे हमारे वाटर की डेप्थ जो है बच्चों अब 1-3 फीट, ओनली 1-3 फीट यहाँ पे जो है वो डेप्थ रह जाती है पानी की। ओके, एंड द हैबिटेट इज चेंज सो मच दैट इट बिकम्स लेस सुटेड टू द फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सम अदर प्लांट्स विच आर वेल अडॉप्टेड टू न्यू एनवायरमेंट विल देन कम इन। यहाँ पे जो इस प्रकार के नए एनवायरमेंट के लिए अनुकूल जो प्लांट्स स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पे आके सर्वाइव करना शुरू कर देती है। देखिए, अब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, फ्लोटिंग प्लांट्स धीरे धीरे क्या हो गया, डिसअपीयर होना शुरू कर देते हैं, और इनके स्थान पर अब एम्फीबियस प्लांट्स जो है, हम रीड स्वैम प्लांट्स जो होते हैं बच्चों उनको एम्फीबियस स्टेज वाले प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रीड स्वैम स्टेज वाले जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, यहाँ पे इन प्लांट्स के जो हम कहें कि इनका जो तना और पत्तियां हैं वो वाटर जो सरफेस है, जल सतह से ऊपर निकली रहती है, केवल इनका जो रूटेड सिस्टम है, इनकी जो रूट है वो यहाँ पे नीचे बॉटम तक फैली रहती है। ओके, और बाकी इनका जो हमारा जो ऊपर का जो तना और पत्तियां हैं वो जल वाटर सरफेस से ऊपर रहती है। तो इस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं, जो अब यहाँ पे सक्सेसफुली सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं बच्चों, द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आर दैट इज बोथिरोक्लोवा, टाइफा, फ्रेगमेटिस, जिन्हें हम रीड्स भी कहते हैं, ये कुछ रीड स्वैम प्लांट्स हैं। ओके, द फॉलिएज लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर एक्सपोज्ड मच अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड रूट्स आर जनरली फाउंड आइदर इन मड और सबमर्ज्ड वाटर। ओके, या तो वाटर के अंदर सबमर्ज रहती है या मड के अंदर इनका जो है वो रूट्स पाई जाती है, लेकिन इनकी जो लीव्स है दैट इज फॉलिएज लीव्स वो वाटर सरफेस के ऊपर रहती है। ओके, एंड द फॉलिएज लीव्स फॉर्म ए कवर ओवर समर्स एंड फ्लोटिंग प्लांट्स एंड दस दे कट ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लांट्स अंडरनीथ देम। ओके, एंड अंडर सच कंडीशंस नाइदर समर्स नॉर फ्लोटिंग प्लांट्स कैन सर्वाइव। अब इनकी जो तना और पत्तियां जो वाटर सरफेस से ऊपर निकली रहती हैं, ये भी एक प्रकार से प्रकाश की जो भेदन क्षमता है उसको कम करती है, जिसकी वजह से अब उस एरिया के अंदर लाइट और कम मात्रा के अंदर पहुंचती है, जिसकी वजह से वहां पे अब सबमर्ज प्लांट्स और फ्लोटिंग प्लांट्स जो है वो टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। ओके,
और फिर इन प्लांट्स के और इन एनिमल्स के, देखिए रीड स्टोन जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उस एरियाज के अंदर, उस स्टेज के अंदर कुछ जीव जंतु भी यहाँ पे जो है निवास करते हैं, जिसके अंदर मेन कौन कौन से जीव जंतु होते हैं बच्चों, यदि हम बात करें मेन की, तो ये नेपा हमें मिलता है यहाँ पे, रानाट्रा जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है, वेलोस्टोमा यहाँ पे प्रजाति जो है हमें यहाँ पे मिलती है, इसके अलावा लिथोसीरस यहाँ पे हमें मिलता है, एलिगेट्स की कुछ प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, इसके अलावा इस जगह पे जो है हमें यदि हम यहाँ पे पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किंग फिशर हमें मिलती है, यहाँ पे हमें ब्लू हेरॉन पक्षी, इसके अलावा जो स्वयं हमारा जो स्पैरो है वो यहाँ पे मिलती है, डक्स की कुछ प्रजातियां यहाँ पे सर्वाइव करती हैं, इसके अलावा हमें मैमल्स की कुछ प्रजातियां यहाँ पे मिलती है, फॉर एग्जांपल हम बात करें बीवर्स यहाँ पे मिलते हैं, इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वो मस्क रैट यहाँ पे रीड स्टोन स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो जीव जंतु और जो प्लांट्स की स्पीशीज है, इनकी मृत्यु के पश्चात वही डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो, इनकी जो डेब्रिस है वो इस पर्टिकुलर हमारा जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, उसके बॉटम के अंदर डिपॉजिट होती जाती है, एंड दिस स्टेज रिड्यूसेस द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड मेक्स द हैबिटेट लेस सुटेबल फॉर द प्री एग्जिस्टिंग प्लांट। ओके, देखिए वही हमारा जो है यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन के साथ साथ जो गाद जमा हो रही है, इसके साथ साथ क्या होगा, वाटर की जो डेप्थ है वो और ज्यादा कम हो गई है इस कंडीशन के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो यहाँ पे थे, अब वो एनवायरमेंट प्री एग्जिस्टिंग प्लांट के लिए सुटेबल नहीं रहता, बल्कि अब अन्य प्रजातियों के लिए ये कंडीशन सुटेबल हो जाती है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग जो हमारे रीड स्वैम्प स्टेज है उसको रिप्लेस कर देती है। ओके, व्हेन द बॉटम रीचेस वेरी क्लोज टू द वाटर सरफेस मेनी सेकेंडरी स्पीशीज सच एज दोज ऑफ पॉलीगोनम सेजिटेरिया एक्सेट्रा मेक देयर अपीयरेंस। ओके, जब वाटर सरफेस जो हमारा बॉटम एरिया था अब वो बिल्कुल वाटर सरफेस के पास पे आ जाता है, मतलब डेप्थ और ज्यादा कम हो गई हमारे बॉटम की, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कुछ और डिटर्म जो हमारी स्पीशीज है पॉलीगोनम सेजिटेरिया यहाँ पे जो है वो तेजी से वृद्धि करती हैं। ओके, अब वही हमारा जो है हमारा वाटर की जो डेप्थ है उसके कम होने से अब ये सुटेबल नहीं रहता रीड स्टॉन के लिए, तो अगली जो हमारी स्टेज है उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। ओके, अगली स्टेज हमारी कौन सी है बच्चों, दैट इज नोन एज द सेल्फ मार्च और मेडोग स्टेज। ओके, इस स्टेज के बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।